की बात की तो विकी को सिलेक्ट करने के पीछे कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था इस रोमांटिक गाने में, क्योंकि भाई साहब जहाँ भी गए तो लड़कियां मिली नहीं उनको पिछली फिल्मों में. शायद यही पॉइंट ऑफ व्यू था. इसमें तो ये महारत हासिल कर चुके हैं लड़कियां नहीं मिलने में. नहीं, इसमें हमने काफी कोशिश की कि हम इस गाने को कैसे कर, बट इफ अगर आप गाने के लिरिक्स पूरे सुने तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप इसके अलावा आप कुछ कॉन्सेप्ट बना ही नहीं सकते. हाँ. तो उसमें लड़की मिलनी नहीं थी विकी को किसी भी. अच्छा, 90s की बात की विकी ने, तो विकी मैं भी 90s वाली हूँ, तो हम टी सीरीज की बात आती है तो गुलशन कुमार सर को नहीं भूल सकते हैं. आशिकी जैसा उन्होंने एक बहुत बेहतरीन एल्बम दिया है, तो कुछ फ्यूचर में इस तरह के एल्बम मिलेंगे, क्योंकि अभी तो ऐसे गाने आते कब आते हैं कब चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता. तो सर आशिकी जैसा कुछ ऐसा मैजिकल दिस इज द स्टार्ट. अगर आप इसकी भी मेलेडी देखें, बिल्कुल, ये तो बहुत बेहतर है. तो और विकी ने सरप्राइज ही दिया है हम सबको. तो उसी तरीके से ये इस तरीके का रूप किसी ने देखा नहीं था. नोरा का भी, विकी का भी, इस तरीके से परफॉर्म करते हुए ऑन अ सैड सॉन्ग. तो उस ये शुरुआत है. जैसा आप पूछ रही हैं कि आशिकी टाइप एल्बम, दिस इज द स्टार्ट. अगर आपको आशिकी के गाना रिकलेक्ट हो, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, सो इट्स द मूड इज द सैडेस्ट रोमांटिक सॉन्ग जो होते हैं वो उस तरीके के गानों का भी शुरुआत हुई. डेफिनेटली आगे हम इस तरीके के काफी गाने देने वाले हैं. विकी, बहुत इस फिल्म के बाद अब मैं ये आशा रख सकती हूँ कि नेक्स्ट रोमांटिक फिल्म के लिए भी आपको नेशनल अवार्ड मिले, शायद कोई ऐसे प्रोजेक्ट मिले. मैम के लिए घी शक्कर लेके आइए प्लीज. थैंक यू सो मच. ऐसा मैं तो चाहूंगा ऐसा हो, पर देखो आगे जैसा. हाय विकी. हाय हाय. बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, लोग कनेक्ट कर सकते हैं इन रियल लाइफ. क्या आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि किसी चीज को छोड़ के आप बहुत ज्यादा पछताए हो? देखो मैम, अगर ऐसा मेरी लाइफ में हुआ तो आज मैं जिंदा खड़ा नहीं होता. बट जरूरी नहीं है कि हर कोई मर जाए इन द एंड, लेकिन आई वुड होप सो दैट वुडंट हैपन. जहर तो पिला देते, जरूरी नहीं कि मर जाए बंदा. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. जितना आपको रिग्रेट हुआ हो इन योर लाइफ कि बहुत पछताए उस चीज को छोड़ के, क्यों छोड़ा मैंने? नहीं नहीं, ऐसा पछताने वाला तो कुछ नहीं हुआ. हाय नोरा, आपके सिंगल्स को बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, आपके गानों को बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, लोग विसल बजा रहे हैं थिएटर्स में. कितने मूवी ऑफर्स हैं अभी आपके पास बाटला हाउस के बाद? There are a few movie offers and we're in talks right now to decide what is the best film to go with for my career. But luckily after Bhushan Kumar, I've started getting great offers from directors and discussions have started, narrations have started, and I think that's the best way forward. You know what, anything that has a good story, for me content is key. And anything where I can play a character that could push me and push my skills forward, something that maybe you would not expect me to do. kab se? Of course. Hi Vicky, congratulations for award. Thank you. Pachtaoge की एक एक लिरिक्स बहुत कमाल के हैं, तो कोई ऐसा फेवरेट लाइन या कुछ है जो आपको पसंद है बहुत ज्यादा, और इसकी वजह क्या है? मुझे वो वाली लाइन बहुत पसंद है कि मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे. सो और मैं इनफैक्ट आई वाज टेलिंग भूषण सर एंड नोरा आल्सो दैट आई एम रियली मिसिंग द ट्रू मैजिशियंस ऑफ दिस सॉन्ग, जानी बीप्राक एंड अरिजीत सिंह ऑन दिस स्टेज टुडे, बिकॉज दे आर रियली द सोल ऑफ दिस सॉन्ग. एंड उन्हीं की वजह से जो दर्द हमने तो सिर्फ एक कहानी आप तक पहुंचाई है, बट जो गाना है वो उनका है और उन्हीं का मैजिक है जिस वजह से लोगों को पसंद आ रहा है. तो जानी के लिरिक्स, बीप्राक के म्यूजिक एंड अरिजीत के तो हम सब फैन है, बट जानी एंड बीप्राक का काम मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ. मैं पंजाबी म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, तो मैंने उनका काम बहुत फॉलो किया है. सो आई नो देयर मैजिक. मैं जानता हूँ जानी के लिरिक्स कितने कमाल के होते हैं, एंड दिस टाइम आई गॉट टू इंटरेक्ट विद हिम, एंड उसमें हमेशा एक पर्सनल टच होता है, उसमें हमेशा एक फ्रेगमेंट ऑफ हिज ओन लाइफ होता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है ऐसे आर्टिस्ट जो अपना सोल उसमें डालते हैं. सो big shout out to Jaani and Biprak and Arijit for this magic that they've created. At the same time, aap Arijit ke bare mein aapko kitna pasand hai unka gaane ka style, aur aapse bhi main jaanna chahungi ki aap Arijit ki sakalta wo kahan aankhte hain aaj ke samay. Mujhe lag raha hai Arijit Singh sir ne na ek muhim shuru ki hai, ek unhone soch ke rakha hua hai ki jo bhi
हार्ट ब्रेक लेके जो घूम रहे होंगे ना, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो मूव ओवर नहीं हो पा रहे हैं, वो बोलते कि नहीं आज मैं हो गया हूँ, फिर अरिजीत सिंह कहते तू इधर आ, ऐसे कैसे तू मूव ऑन हो जाएगा बेटा, तू इधर आ, तेरे को तो मैं मूव ऑन नहीं होने दे रहा. तो आई थिंक उनके आवाज में तो ऐसा दर्द है दैट यू नो कि कई बार तो ऐसा लगता है कि आप अच्छे खासे रिलेशनशिप में हो, आप गर्लफ्रेंड को बोलो कि आज ब्रेकअप कर लेते, मेरे को अरिजीत का गाना एंजॉय करने दे और फिर हम वापस रिलेशनशिप में आ जाएंगे. तो आई थिंक उनकी आवाज इज जस्ट एक कुछ है दैट जस्ट पुल्स यू इन, यू नो. एंड I'm very happy that I got to collaborate with him on this song. Mr. Bhushan Kumar? Oh wait, my question is still okay. Bhushan ji, aap unki safalta ko aaj kahan aankhe? See, humne unke saath kaam shuru kiya tha from Aashiqui. And Aashiqui jo tour thi hamari, usme tum hi ho gaane kaafi, matlab more or less puri album unhone gayi thi. Aur wahan se ek unka ek different journey shuru hui thi गानों को लेके. हालांकि उस टाइम उनके जवानी दीवानी के भी गाने आए थे जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे डांस ट्रैक बदतमीज दिल वगैरह गाए थे और काफ़ी सारे गाने गाए थे जो बलम पिचकारी गाना गाया था जो बहुत बड़ा हिट हुआ था उसमें. तो बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर हैं और आज उस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि मीन्स जहाँ हमारे काफ़ी बड़े बड़े जो पुराने हमारे सिंगर्स हैं जो उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, उस लेवल तक वो पहुंच गए, क्योंकि उनकी इतनी फाइन सिंगिंग है. अगर आप उनसे कोई सैड गाना गाने के लिए कहें तो ही विल सिंग, ही विल सिंग सैड, रोमांटिक, डांस, एनीथिंग, एनी रेंज, एनीथिंग. सो आई थिंक वो बहुत वर्सेटाइल है और ही इज द बेस्ट सिंगर टुडे वी हैव. भूषण जी, मेरा सवाल आपसे इधर से नाक्षी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि टी सीरीज ने ये नया ट्रेंड शुरू किया है सिंगर्स प्रोड्यूस करने के लिए, एंड थैंक्स फॉर डूइंग दैट बिकॉज आई एम ऑल्सो 90s किड एंड इट्स वेरी ऑसम टू सी दैट ट्रेंड बैक. ये आपके मन में क्या थॉट आया था दैट यू डिसाइडेड टू ब्रिंग दिस ट्रेंड बैक, एंड वॉट इज दैट यू लव मोर, प्रोड्यूसिंग म्यूजिक फॉर दीज सिंगर्स और फॉर मूवीज? ऑब्वियसली म्यूजिक. एंड जो आपने सवाल पूछा उसमें मेरे फादर ने, अगर आप 90s को फॉलो करते हो, 90s में मेरे फादर बहुत ज्यादा नॉन फिल्म एल्बम बनाते थे. दे वर नॉट पॉप एल्बम. पॉप एल्बम हमेशा कैटेगराइज हो जाती है कि सिंगर के साथ पॉप एल्बम होती है, बट वो नॉर्मल एक्टर्स, अपकमिंग एक्टर्स को लेके उन्होंने काफी नॉन फिल्म गाने बनाए जो बहुत 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 बड़े हिट होते थे. जीना तेरी गली में एंड और बहुत सारी, लाल दुपट्टा मलमल का जो सारी दुनिया आज भी वो गाने सुनती है, वो भी एक टेलीफिल्म थी जिसको एल्बम की तरह बनाया गया था. फिर उसको बोला कि चलो पूरी बुक, इतने 8 गाने शूट करने हैं तो साथ में कुछ सीन शूट कर लेते हैं, इट विल बिकम अ टेलीफिल्म विच केम ऑन दूरदर्शन दैट टाइम. सो ये ट्रेंड वहां से था. एंड व्हेन आई टुक ओवर दैट टाइम, अनफॉर्चुनेटली फिल्म म्यूजिक बहुत बहुत तेजी से ऊपर आया था और पॉप वॉज नोवेयर, कहीं भी नहीं था. तो फिर हमने पॉप को रीस्टार्ट करने के लिए भी टुक एक्टर्स ऑन बोर्ड सो दैट वी कैन टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल. आई गॉट ऋतिक रोशन, इमरान हाशमी एंड शाहिद कपूर, एवरीबडी नाउ विक्की एंड नोरा, दे हैव डन इट. सो दिस जस्ट टू गेट दैट थिंग अट्रैक्टेड सो दैट पीपल शुड टेक इट. अदरवाइज लोग सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बॉलीवुड म्यूजिक है अच्छा होगा तो हम वो सुनेंगे, नॉन फिल्म नहीं सुनेंगे. लेकिन आज वो चीज, आई एम वेरी हैप्पी टू सी वो चेंज हो गई एंड उसका बेनिफिट सारे न्यू कमर्स को भी मिल रहा है. दिस इज वेरी वेरी गुड फील. गुड सॉन्ग एंड गुड कॉन्टेंट लाइक विक्की जस्ट टोल्ड यू कि मुझे, मैंने गाना सुना और मैं इमीजिएटली आई वॉज ऑन बोर्ड. तो अगर आप अच्छा कॉन्टेंट देंगे एंड एवरीबडी नोज द वे वी प्रमोटेड, वे वी शूट इट, तो वो एक आर्टिस्ट को, आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कुछ डिमांड होती है उस आर्टिस्ट की, यही डिमांड होती है. Thank you so much. I have not paid anything to him.